धड़ल्ले से हो रहा है अतिक्रमण, प्रशासन रोकने में नाकाम। जी हां, स्थानीय जनपद पंचायत के आसपास एवं संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के पास रातों रात लोग गुमटी रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसे रोकने में नगर पालिका प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। पुराने अतिक्रमण अभी प्रशासन हटा नहीं पाया। चूने की हर बार लाइन डाली जाती है, छुटपुट कार्रवाई होने का डर दिखाया जाता है और कुछ होता नहीं, और आए दिन प्रतिदिन नए नए अतिक्रमण हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये अतिक्रमण गरीबों के नहीं बल्कि बड़े बड़े नामी लोगों के होते हैं, जो गरीबों के नाम पर अतिक्रमण कर उनसे किराया वसूलते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इस अवैध कारोबार में बड़े बड़े अधिकारी भी लिप्त हैं। इसी कारण कभी भी अतिक्रमण हटाने की निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती। अब देखना है कि निष्पक्ष रूप से अतिक्रमण हटाया जाएगा या नहीं। गंज बसोदा से एलएन चौबी की एक रिपोर्ट। ये रातों रात गुमटियां रखा रही हैं। मैं इसकी जांच करने के लिए अभी सब इंजीनियर को पहुंचा रहा हूं। उनको चिन्हित करके निश्चित तौर पर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में SDM महोदया और SDO की साहब से एक चर्चा हुई है और एक दो दिन में इसकी बैठक करके हम एक जवाबी कार्रवाई जल्द से जल्द करके बता रहे हैं, ताकि लोगों को नगर में ये विश्वास हो जाए कि नहीं, नगर पालिका या नगर पालिका प्रशासन या राजस्व प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ बातें नहीं, हम कार्रवाई करके ही जवाब देंगे। देखिए, बस स्टैंड पर जो अतिक्रमण है उसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जैसे ही काम चालू होगा उसको तत्काल, अभी जैसे काम चालू हुआ था तो हमने हटाना चालू कर दिया था, और वो अतिक्रमण हटने में कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा, स्वयं के द्वारा भी ये मान लिया गया था कि हम अतिक्रमण शीघ्र हटा ही देंगे जैसे ही निर्माण कार्य होता है। तो अभी निर्माण कार्य के लिए स्मार्ट सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई है और शीघ्र ही उसका निर्माण कार्य चालू होगा और अतिक्रमण भी उसको हटा दें।